ओह गॉड, आजकल के नोटिफिकेशंस, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार मेरे फोन में इतने सारे नोटिफिकेशन क्यों आते हैं। क्या बात है, आप लोग भी आ गए। हरे कृष्णा, अर्जुन मेरा नाम है और आज से अभी से आप मुझे देखेंगे हरे कृष्णा टीवी पे। तो बैक टू बैक फोन में कई सारे नोटिफिकेशंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा जरा फोन चेक कर लूँ। पर एक नोटिफिकेशन के बाद मेरा दिमाग ऐसा खराब हुआ ना कि क्या ही बताएं। और ऐसे ही हम सबके साथ में होता है कि हमारे फोन में आए दिन हर समय इतने सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन को देख करके एक बड़ी सी चेहरे पे स्माइल आती है और कुछ नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जिसे देखने के बाद हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सच में ये जो डिप्रेशन, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इस शब्द को सुनने के बाद कई सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये छोटा सा शब्द इतना ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न हम खुद हैं कि हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। स्टिल नोटिफिकेशन, यस, हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। हम दिन भर बस भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लीजिए, चलते फिरते खाते पीते, कभी ना कभी थोड़ा सा ऐसा कीमती समय होगा जिस समय का आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उस समय का इस्तेमाल आपको सिर्फ ऐसे करना है कि किसी भी मंदिर में जाइए, स्पेशली हमारे राधा माधव के मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर के भगवान का जब आप दर्शन करेंगे और जब भगवान को आप देखेंगे तब आपको खुद लगेगा कि यार लाइफ की प्रॉब्लम्स और डिप्रेशंस जैसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में भगवद गीता पढ़ना शुरू करिए और जैसे जैसे भगवद गीता पढ़ने लगेंगे उसके बाद डिप्रेशन आपके पास में नहीं आएगा और साथ में जो ये परेशान कर देने वाला नोटिफिकेशन है वो भी आपसे कोसों दूर रहेगा। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे आप अपने आप को हमेशा चार्ज रख सकते हैं। और जो ये फ़ोन, यस यस, ये वाला जो स्मार्टफोन है, इसमें हम चाहते हैं कि हमेशा हम अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहें, स्क्रॉल करते रहें, पर स्क्रॉल करते 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 पूरा दिन निकल जाता है और हमें समझ नहीं आता कि एक नोटिफिकेशन के चक्कर में हमने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को चार्ज करने की। और बस तरीका सिर्फ एक है कि हेलो हाय छोड़िए और लाउडली दिल से हरे कृष्णा बोलिए। और हरे कृष्णा टीवी पे, हरे कृष्णा टीवी के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और सच में आपको अगर ये रियलाइज हो खुद से कि यार सच में इन नोटिफिकेशन ने बहुत परेशान कर रखा है और हमारा जो खून जल चुका है, सूख चुका है, उसे वापस से नया लाना है ना। और सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान का सहारा लीजिए, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए और दिल से सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस ये जो 16 अक्षर का नाम है इसको लेते रहिए, कहते रहिए और भव सागर से भी पार लगेंगे और साथ ही इस फालतू के नोटिफिकेशन से भी बचेंगे। हरे कृष्णा।